नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से के लेटर की हेल्प से दिवाली पर माता लक्ष्मी जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से इस तरह एक के लेटर लिखिएगा। इसको थोड़ा सा हम और यहाँ पर बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद इसी के ऊपर ही दोस्तों छोटा सा ऐसे आप हाफ सर्कल बनाइएगा। इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। और गाइज, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ से आप एक बड़ा सा हाफ सर्किल बना देंगे। ऊपर के साइड में छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको भी डबल कर दीजिएगा। एक बार आप फिर से यहाँ पर ऐसे रिपीट करेंगे, एक बार यहाँ पर छोटा सा कर दीजिएगा। इसी के ऊपर ही हमें एक लीव्स ऐसे बनाना है और छोटा सा सर्किल बनाना होगा। अब इसके लेटर की हेल्प से नीचे के साइड में आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। सेम दोस्तों, हम यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। और गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हैप्पी दिवाली ज़रूर विश करिएगा। और एपी ड्राइंग की तरफ से भी आपको दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। फिर दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे पॉइंट लगा देंगे। अब हमें इसकी हेल्प से इसको ऐसे यहाँ पर बढ़ाना होगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक ऐसे ऊपर के साइड में बढ़ा दीजिएगा। एक छोटा सा सर्किल बना देंगे। सर्किल बनाने के बाद इधर से माता लक्ष्मी जी का आई बनाना होगा। इधर से पहले आप आईब्रो बनाइएगा, इधर भी ऐसे बना देंगे। थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ से हम इधर ले जाएंगे, ये भी बढ़ा दीजिए। और गाइज, आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ऐसे एक सर्किल बनाकर डार्क कर देंगे, इधर भी कर दीजिए। इधर बगल से ही हमें माता लक्ष्मी जी का नोज़ बनाना है। पहले तो इधर हल्का सा बाहर के साइड में बढ़ाइएगा, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, इधर भी ले जाइएगा। फिर आपको नीचे के साइड में ऐसे मिलाना होगा। इस साइड से लक्ष्मी जी का लिप बना दीजिए, यहाँ पर बढ़ाइए, एक लाइन ड्रॉ करिएगा, नीचे की तरफ बढ़ाते हुए ऐसे मिला देंगे। जब आप यहाँ पर बना लेंगे दोस्तों, इधर से हम माता लक्ष्मी जी का ईयर बनाएंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। आपको छोटे छोटे ऐसे थ्री सर्किल बनाने होंगे। देखिए कितना आसान है। इससे आसान आपने अभी तक YouTube पर कहीं भी नहीं देखा होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने आप दोस्तों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी सबसे आसान तरीके से माता लक्ष्मी जी का चित्र बनाना सीख जाएँ। अब यहाँ से आपको इधर ऐसे बढ़ाना है, ये बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद दोस्तों ये देखिए कितना आसान है, ये मिलाइए और इसको डबल कर दीजिएगा। जब आप डबल कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर आपको इनका हैंड बनाना है। यहाँ से यू लेटर लिखिए, इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से एक थोड़ा बड़ा, एक यहाँ पर थोड़ा सा छोटा, फिर इधर से ये कर दीजिए। नीचे वाले सिरे को आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। यहाँ से भी आपको एक उल्टा यू लेटर लिखना है, ये उल्टा यू लेटर हो जाएगा। इसको इधर से हल्का सा ऊपर, फिर यहाँ से बढ़ाएंगे छोटा सा नीचे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप इधर इनका अंगूठा बना दीजिए। फिर आपको लक्ष्मी यहाँ से ऐसे, यानी कि धन आपको ऐसे निकालना होगा, यहाँ पर निकाल दीजिए। ऊपर के साइड से दोस्तों यहाँ से देखिएगा, पहले तो आप एक छोटा सा सर्किल यहाँ पर बनाना होगा। इधर एक बार बनाइए, एक बार यहाँ पर एक सर्किल, इधर एक सर्किल, यहाँ से। फिर दोस्तों इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इधर भी ऐसे मिलाना होगा। इसी के ऊपर ही हमें छोटे छोटे वी वी लेटर लिखने होंगे। इधर से भी वी वी लेटर आप लिखते जाइएगा। अब यहाँ से हमें माता लक्ष्मी जी का हेयर बना देना है। सेम यहाँ से भी ऐसे रिपीट कर देंगे, इधर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए ये मिलाइए। इधर भी आप ऐसे आसानी से मिला दीजिएगा। और आपको माला भी बनाना होगा, तो इधर ऐसे ले जाएंगे, ये वाला सिरा आप डबल कर दीजिए। डबल हो जाने के बाद जस्ट बगल में ही दोस्तों हमें बनाना है दिया, क्योंकि दिवाली का त्यौहार हो तो आप यहाँ पे दिया भी बना लीजिए। आप एक ऐसे ये ले जाइए, यहाँ से एक थ्री नंबर लिखिएगा, इधर आप ऐसे डबल कर देंगे, ऊपर के साइड में ले जाकर डबल कर देंगे, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला सिरा भी डबल कर दीजिए, हल्का सा बाहर के साइड में लाइन ड्रॉ करते हुए ये मिला दीजिए। इस साइड पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। पहले आप ऐसे एक थ्री नंबर लिखेंगे,
इसको यहाँ से ऐसे डबल करिएगा। डबल करने के बाद नीचे के साइड में आप एक बड़ा सा सी लेटर लिख देंगे। इसको ऊपर की तरफ जैसे आप पत्ती बनाते हैं उसी तरह बना दीजिएगा। इसको यहाँ पे डबल कर देंगे, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कितना आसान है दिवाली का दिया भी बनाना। इसको यहाँ पर मिलाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम माता लक्ष्मी जी को बहुत ही आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।